सर अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली आ चुकी, कैसी लगी? ठीक ही फिल्म है सर, इतनी कुछ गजब नहीं लगी मुझे। हालांकि रात को ही आ गई थी, रात को 12 बजे ही रिलीज कर दिया गया था उसको हॉटस्टार पे, तो मैंने तुरंत ही देख ली थी 12 बजे, क्योंकि इंतजार तो लग रहा था कि इस फिल्म का कोई यार बढ़िया फिल्म सी लग रही, अच्छी लग रही, ट्रेलर वगैरह भी फिल्म का अच्छा लग रहा था, बढ़िया लग रहा था। लेकिन उतनी ज़्यादा बेहतर मुझे पर्सनली फिल्म नहीं लगी है, या उतना ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा फिल्म को, क्योंकि उसके कई सारे रीजंस हैं। देखिए रत्सासन जो है, अगर जिन्होंने भी देखी हो तो वो समझ पाएंगे उस चीज़ को। देखिए रत्सासन भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ गजब की फिल्म नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटे बजट में बनी हुई फिल्म है वो, और कम बजट में उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर दी थी, जबकि कोई बड़ा एक्टर भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ कहानी और उसके बल पर। मुझे ये ट्रेलर और ये देख के ऐसा लगा था कठपुतली का कि ये ना काफ़ी डार्क और बिल्कुल वैसा एकदम बनाया गया होगा, मर्डर मिस्ट्री है और एकदम ड्रामा क्रिएट होगा, सस्पेंस क्रिएट होगा, थ्रिलर क्रिएट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। इसमें ना कई सारे एलिमेंट्स जोड़ने की कोशिश कर दी गई है, अगर आप रत्सासन से कंपेयर करें। देखिए कंपेयर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसकी रीमेक है। तो देखिए क्या है कि इन्होंने क्या ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया, ज़्यादा दूसरे सारे मसाले डालने की कोशिश करी है सब कुछ। मेरे ख्याल से बजाय उसके सिर्फ इसको एक डार्क फिल्म की तरह बनाया जाता तो ज़्यादा बेहतर लगता, जो कि ट्रेलर देख के लग रहा था कि ये उसी तरह की फिल्म होगी। लेकिन कई सारे वो गाने वाना घुसा देना, वो बर्थडे वड्डे के पार्टी में होती है जब वो बच्ची की जो उसकी बहन की लड़की रहती है अक्षय कुमार की, उसकी बर्थडे वड्डे पार्टी के दौरान फिर अकुल प्रीत के साथ गाना दिखा दिया वो ज़बरदस्ती, और वो एरोप्लेन वेरोप्लेन पास घूम रहा वाला गाना, वो सब कुछ, उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी फिल्म के अंदर, ज़बरदस्ती दिखा दी गई, ठीक है। अक्षय कुमार ने वही अर्जन सेठी का कैरेक्टर किया है, जो अब वहाँ पर पंजाब फिल्मों में ना स्क्रीन राइटिंग करना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, लेकिन फिर वो अपनी बहन के पास कसौली आ जाता है, जहाँ पर उसके पिता की जो नौकरी है वो पुलिस वाली नौकरी उसको मिलती है, वही वाली सेम कहानी है, सबको सेम है, वही टीचर का कैरेक्टर जो फीमेल लीड था वो रकुल प्रीत ने किया है। इतना फ़र्क मैं आपको बताऊँगा कि रकुल प्रीत ने जो कैरेक्टर किया इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्क्रीन स्पेस मिला है बजाय उस एक्ट्रेस को उतना स्क्रीन स्पेस नहीं मिला था, लेकिन फर्स्ट हाफ में बिल्कुल स्क्रीन स्पेस नहीं था रत्सासन में, सेकंड हाफ में उनको मिला था, इसमें रकुल प्रीत को फर्स्ट हाफ मिला, सेकंड हाफ में इतना नहीं है। कहानी का एंड भी इतने अच्छे से नहीं दिखाया गया, क्लाइमैक्स जो है फिल्म का उतने बढ़िया ढंग से नहीं दिखाया गया जिस तरीके से उन्होंने बताया था रत्सासन ने, प्रॉपरली कहानी के साथ प्रॉपर बताया था, यहाँ खटाखट निपटा दिया 2 मिनट में, 1.5 मिनट के अंदर सब कुछ। इतना बेहतर मुझे नहीं लगी ये फिल्म कठपुतली। आउट ऑफ कितने 5 में से मैं जो है फिल्म को, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और फिल्म के आर्ट डायरेक्शन इन सब की वजह से मैं जो है फिल्म को 2.5 स्टार दूंगा, मुझे लगता है 5 में से 2.5 स्टार।